नमस्कार, आप देख रहे हैं हमनेज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात दबिश देने गई पुलिस टीम पर दहशतगर्द विकास दुबे ने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर हमला कर दिया था, जिसमें सीओ समेत 8 पुलिस वालों की मौत हो गई। तभी से पुलिस को इस बदमाश और उसके साथियों की तलाश थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए कानपुर पंकी पुलिस ने दहशतगर्द विकास दुबे के एक और साथी, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी अंजन कुमार सिंह ने बताया कि कानपुर देहात के शिवली कस्बा निवासी अभिषेक उर्फ छोटू ने विकास दुबे और उसके साथियों को असलहों समेत अपनी कार से भगाने में मदद की थी, जिसे कानपुर पंकी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई। आइए सुनते हैं इस विषय में क्या कहना है थाना प्रभारी अंजन कुमार सिंह का। देखिए, पनकी पुलिस ने एक अभिषेक नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनामी था। ये व्यक्ति बिकरू कांड के जो अपराधी हैं, जब वो भागे थे तो उनको भगाने में, उनको और शरण देने में मदद किया था। इसी आधार पर इसको, इसका नाम प्रकाश में आया था, इसको आज पनकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर 25,000 रुपये का इनामी घोषित किया गया। कानपुर में एक अभियुक्त अभी और बचा हुआ है, उसकी भी बहुत शीघ्र हम लोग गिरफ्तारी कर लेंगे। सर, जो गिरफ्तार किया गया है आरोपी, इसके पास से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं? इसके पास से वो वाहन भी बरामद हुआ है, जिस वाहन से जो बिकरू कांड के अपराधी हैं, जब वो भागे थे, उनको ले जाया गया था। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।